रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बिहार में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। बेगूसराय में बलान नदी का बांध टूटने से 3000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। लोग बांध टूटने की वजह प्रशासनिक लापरवाही बता रहे हैं। बांध टूटने एवं तेज धार की वजह से जोकिया, तेला एवं टांडी गांव के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। वहीं फसल की भी बर्बादी काफी ज्यादा क्षति हुई है। आलम यह है कि हम लोग अपने स्तर से बांधों पर शरण लेने को विवश है। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर से अभी तक राहत एवं बचाव के कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। सोमवार की रात्रि जब भगवानपुर प्रखंड के जोकिया पंचायत के लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे, उसी वक्त बलान नदी का बांध टूट गया और धीरे धीरे बांध करीब 40 से 50 फीट में दरार करता चला गया। इसके साथ ही साथ पानी की तेज धार लोगों के फसलों को डूबते हुए ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर गई। सुबह जैसे ही लोगों की आंख खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तब जाकर के लोग बांध के किनारे पहुंचे तो देखा कि बलान नदी अपने रौद्र रूप में तबाही मचा रही थी। स्थानीय लोगों के द्वारा बड़े बड़े पेड़ों को डाल करके पानी की धार को रोकने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। बांध की सुरक्षा में लगाए गए जो कर्मचारी हैं, उनकी बात माने तो पिछले एक सप्ताह से बांध में रिसाव हो रहा था और मौजूद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इसकी सूचना संबंधित विभाग एवं ठेकेदार को दी गई थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी विभाग के द्वारा बचाव के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया और ना ही ठेकेदार ने इस पर कोई रुचि दिखाई। आलम ये रहा कि बांध टूट गई और लोगों के लिए तबाही छोड़ गई। प्रभावित तो कितने परिवार हुआ अभी तो आंकड़ा करना मुश्किल है, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। फिलहाल जैसा मालूम है 3 गांव जो किया तेलन और टार गांव टारी गांव प्रभावित होने की सूचना है और देख भी रहे हम लोग। बांध का कटाव तो ज़्यादा हो गया है, इसको तब तक कंट्रोल करना अभी तो फिलहाल मुश्किल बिहार रहा है। फिलहाल तो अभी हम लोग वही रिलीफ के लिए वही करेंगे सर्वेक्षण के बाद जो प्रभावित परिवार है या फसल उसका जूता हमको लग रहा है कि 40 फीट लगभग होगा, 70 फीट फिलहाल बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। प्रशासनिक पहल तो अभी जो परिवार माइग्रेट कर गए हैं, बांध पर आ गए हैं या इधर उधर चले गए हैं, उनको प्रशासनिक दिया जाएगा, नाव की व्यवस्था की जाएगी आवागमन के लिए और सर्वेक्षण करने के बाद उनको जो राशि दिया था 6000 रुपया खत्म हो जाएगा। आज प्रातः सूचना मिली कि टांडी पुल के नज़दीक बांध पर पानी ओवरफ्लो कर रहा है, लेकिन बाद में तुरंत सूचना मिली कि वो बांध कट गया है और धीरे धीरे एक लंबे पार्ट में ये आ गया है। हमने तुरंत जिलाधिकारी महोदय को इसकी सूचना दी है और हमारे बगल में एडीएम साहब हैं, अधीक्षण अभियंता बाढ़ के उस तरफ बैठे हैं। हम अविलंब मांग करते हैं कि यहाँ पर 3 से 4 नाव जो आबादी प्रभावित है उसको दिया जाए, साथ साथ इनके साथ रिलीफ और पन्नी सब की तुरंत व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ अधीक्षण अभियंता से बातचीत करके जो पेड़ है बड़ा सा उस पेड़ को काट के इसके सामने दिया जाए जिससे इसके निरोधात्मक कार्य हो सके। हम चाहते हैं कि तत्काल ये काम शुरू किया जाए क्योंकि धीरे धीरे ये पानी फैलेगा और एक बड़े आबादी को अपने जद में ले लेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।